अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये डॉक्टर फजल इलाही साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह वसलामुन अला इबादिही लज़ीना इस्तफा। मैं और कमोबेश मेरे गुमान के मुताबिक हर शख्स चाहता है कि उसकी औलाद बहुत ज्यादा बुलंदोबाला और बहुत ही ज्यादा कदर व मंजिलत वाली हो जाए, और इस मकसद के लिए अपनी औलादों के लिए मंजिल का तयन करता है, उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता है, अपनी इस्तेआत के मुताबिक नहीं उससे भी ज्यादा इस मकसद के लिए माल और दौलत पानी की तरह बहाता है। और कितने लोग जिनके वसाइल उनके इरादों के मुताबिक नहीं, घरों का जेवर भेज देते, कर्ज लेते हैं और क्या कुछ करते हैं ताकि बच्चे बड़ी से बड़ी मंजिल तक पहुंच पाए। सवाल ये है, और इस सवाल का जवाब फज़ल इलाही और आप में से हर एक के लिए जरूरी है कि मैं आप अपने बच्चे के लिए जिस मंजिल का इंतखाब कर रहे हैं क्या वो वाकईतन सबसे बड़ी है। राज साहब जी पूरी तवज्जो, क्या वो सबसे बड़ी है? है तो बाजी लगा दी, और अगर नहीं तो क्यों ना अपनी डायरेक्शन, अपनी सिमत, अपना गोल, अपना हदफ, अपना निशाना वो तो दुरुस्त कर लें और फिर जोर लगाए। कुरान करीम में सूरा आले इमरान की आयत करीमा 164 में अल्लाह ताला ने उस शख्सियत बुलंद बाला के औसाफ को बयान किया है जिन ऐसा उन्होंने अल्लाह की अपनी मखलूक में कोई बनाया है। तो जब मैं आप अपनी औलाद को बड़ा बनाना चाहते हैं तो वो औसाफ, वो क्वालिटीज लाएंगे तो बड़े बनेंगे यूनस साहब, या कुछ और चीजें लाने से? जवाब दो ना। जब बड़ा बनने के लिए ये मिसाल के तौर पर चार चीजें हैं तो जिस जिसने बड़ा बनना है वो ये चार चीजें बकदरे इस्तेआत लाए कि ना लाए। अगर वो इसकी बजाय कुछ और लाए तो वो बड़ा बन जाएगा? ना बने हैं, ना बनेंगे, ना बन सकते। अल्लाह के लिए फज़ल इलाही और आप में से हर एक, बात अपनी अपनी है, अपना अपना फायदा सोचें, मैं भी और आप भी। अल्लाह करीम ने जो कायनात में अल्लाह के बाद सबसे बड़े हैं उनकी इस आयत करीमा में चार खसूसियात, चार औसाफ बयान किए। नसीर साहब तवज्जो करो, लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, यकीनन यकीनन
अल्लाह ताला ने अहले ईमान पर एहसान फरमाया। इस बासफीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, जब उनमें से एक रसूल उनमें भेजा, उनके औसाफ क्या है चार बयान किए। उंगलियां बाहर निकालिए, मैं देखना चाहता हूं। अब आप जी ऊपर करो। पहली बात, यत्रु अलैहिम आयात, वो उन पर अल्लाह की आयात की तिलावत करते हैं। वयुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करते हैं। किससे? कहानियों से या अल्लाह की आयात, जो आप उचिप दिया कर शारीरिक खाई खाई है तो रुचि बोलो, पराठा नहीं मिला आज। वयुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करते हैं। वयुअल्लिमुहुल किताब, और उन्हें किताब, कौन सी किताब? वल हिक्मा, और सुन्नत सिखलाते। व इनकानु मिन कब्ल लफी ज़लाल मुबीन, यकी, और अगरचे वो इससे पहले खुली गुमराही में। इसका हमारे साथ ताल्लुक नहीं, चार चीजों का ताल्लुक। नंबर एक, आयात इलाहिया की तिलावत लोगों पर करना, लोगों का तज़किया करना। किससे? आयात इलाहिया से, यानी कुरान पाक की आयात। नंबर तीन, लोगों को कुरान करीम सिखलाना। अब आप जी सीधे हो जाओ। और नंबर चार, लोगों को सुन्नत सिखलाना। सुन्नत क्या है? कुरान पाक की तफसीर है। मखसूस सब बात वाजे हो रही। तो चारों खूबियों का ताल्लुक किससे है? किसी और चीज से है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रोते रहें रोते रोते मर जाएं तो हम इस काबिल हैं, इस काबिल हैं, लेकिन नहीं मरना। हम सीधे हो जाए, मरे क्यों? अब तो मर जाएंगे तो फिर क्या होगा? उसके बाद हमारे लिए जन्नत के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। इस तरह मर जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या करें? जो लम्हात, पता नहीं लम्हात है कि लम्हा, घंटा है या घंटे हैं, दिन है या अय्याम है, कोई पता नहीं, किसी का पता नहीं, ना बुढ़े का, ना नौजवान का, ना बच्चे का। बच्चे नहीं मरते, मैं तो वैसे ही ओवर एज हूं, अल्लाह खैर करे। जो जवान हैं वो नहीं मरते, जो बच्चे हैं, दूध पीता बच्चा पैदा हुआ फौत हो। फुर्सत है हसनैन जी, फुर्सत है, मौका, फायदा उठा। चार खूबियां, अब मजीद सुनिए, इन चार खूबियों का जिक्र एक जगह नहीं, कुरान पाक में चार जगह मैंने देखा। हाफिज साहबान को ज्यादा पता हो। सूरह बकरा आयत करीमा 129 में, 129। नंबर दो, सूरह अल बकरा आयत करीमा 151। नंबर तीन, ये जो हमने आज पढ़ी है, सूरह आल इमरान आयत शरीफा 164। नंबर चार, 28वां पारा सूरह अल जुमा आयत शरीफा नंबर दो। चार आयात में मुझे फिर भी हया ना आए, किसी को मैं नहीं कहता, अपने आप को कहता, चाहता हूं कोई हाथ खड़ा करे जो चाहता है कि उसकी औलाद बड़ी ना बने। कौन है? कोई है जो चाहता है बड़े बने? वो हाथ खड़ा करे। चाचा तू नहीं चाहता? हाथ खड़ा करो दोनों, दूसरा हाथ कम नहीं करते थोड़ा। सब चाहते हैं और साथ दुआ भी करते हैं, या अल्लाह ऐसे ही कर, या अल्लाह मौत से पहले देख के जाए। कौन? जालिम अपनी औलाद की तरक्की नहीं चाहता। मियां साहब है कोई बदबख्त ऐसा?
आदमी जरा अपना खाता तो खोल ले, शायद अपने लिए उतनी दुआएं नहीं करता जितनी औलाद के लिए करता। यूनुस साहब ऐसे नहीं, मलिक साहब औलाद 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 मांगते क्या है, बुलंदी मांगे, बुलंदी मांगे। और बुलंदी किससे है? चार मुकामात पर एतबार नहीं, अल्लाह के लिए बात खत्म हो रही, अल्लाह के लिए जायजा ले। रमजान जा रहा है, सुबह उठे यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज जाने से इतनी देर पहले कि काले अंग्रेज बन के निकल जाए बस। राय साहब यही बात है या कुछ और? सारा जोर मिनटों के हिसाब से, बेगम भी खड़ी है, खामन भी खड़ा है, ये काला बाबू जाना है बस, ठीक बाबू बन के जाए। नमाज कोई बात नहीं, वो जरूरी है। कुरान शरीफ की तिलावत आना है, जल्दी जल्दी अकेडमी जाना है। और बाल तो ऐसे लटकाए गए हैं, खाने के बाद लेटना भी नसीब, और जो लेटते भी हैं वो अकेडमी के लिए लेटते हैं, कुरान शरीफ के लिए नहीं लेटते। आए रात को अजमोए, नीम मुर्दा, जल्दी करो सुबह यूनिवर्सिटी जाओ, चल टाइम ही नहीं। अल्लाह के दोस्तों, ये अल्लाह का अजाब है, ये अल्लाह का अजाब है जो हमने अपने औलाद के गलों में डाल दिया है। अपनी औलाद पर रहम करें, अपनी औलाद पर रहम करें। जो कुरान, नबी पाक सब भूखे फौत हुए, और जो कुरान वाले सब भूखे मर गए हैं। अगर कुरान वाला निकम्मा नालायक गप्पे मारता रहे तो कुरान का कसूर है या उसका है? कुरान वाला बाकी लोगों से ज्यादा जद्दोजहद करे, अल्लाह उसकी झोली को भरेंगे, क्यों नहीं भरेंगे? अब कुरान वाला निकम्मा नालायक करे कुछ नहीं, और फिर के जो कुरान कुरान की वजह से मैं भूखा रह गया। अल्लाह के लिए रमजान जा रहा है, कितने दिन बाकी हैं? तीन दिन या बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए। अपने लिए और अपनी औलाद के लिए खैर 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 मांगे। وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين رب العالمين